एवरीवन, मैं पारस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीआई टेक वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, वॉल्यूम अप और डाउन का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कम करने के लिए या फिर वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए करते हैं। उसके अलावा हम टॉकबैक को ऑन ऑफ करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि वॉल्यूम अप और डाउन से आप फ्लैशलाइट को ऑन कर सको, स्क्रीनशॉट ले सको, स्क्रीन ऑन ऑफ भी कर सको और भी बहुत कुछ कर सकते हो सिर्फ वॉल्यूम अप और डाउन की से। ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जाइए चैनल के अबाउट पेज से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग दोनों ही ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से एक नाराज़गी है। वो नाराज़गी ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जिसके कारण अपने व्यूज़ नहीं आते हैं। गाइस, व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन तब भी इतने खास व्यूज़ नहीं आते हैं। सो आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है तब भी गाइस पंखे वगैरह बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल है गाइस। सो आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए और तभी व्यूज़ आएंगे अच्छे और हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक किया कीजिए आप लोग, ठीक है। और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उस बात की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में सुना, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप वॉल्यूम अप और डाउन की को वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही आप वॉल्यूम अप और डाउन की से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं गाइस। तो चलिए हम करते हैं अपने फ़ोन में टॉकबैक को ऑन और देखते हैं पूरी सेटिंग। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टॉकबैक ऑन करता हूँ मैं। टॉकबैक ऑन हो गया। चलते हैं अपना एप्लीकेशन के अंदर। रीमैपर गाइज एप्लीकेशन का नाम है रीमैपर। आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ओपन करता हूँ मैं सिंपल। सो गाइज, एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले अपने को इसे एक्सेसिबिलिटी में से ऑन करना होगा। मैं थोड़ी स्पीच रेट कम कर लेता हूँ। Speech rate 46%. Cancel. Turn on the app settings setting on the screen. Remapper. Remapper को ऑन करेंगे। Accessibility. Search button. More options. Recommended. Talkback. Visibility and hearing and app. Interaction. Advanced settings. 10-40. Installed apps. Installed apps. Navigate up. Sound notification. Remapper button. Allow remapper button / gestures to have full control of your phone. Full control is appropriate for apps that help you. View and control screen. Use to read all. View and perform. Allow button. Remapper button / gestures. On. Switch. ऑन कर दिए गाइज मैंने। आप लोगों को भी ऑन कर देता है, आप लोगों को भी ऑन कर देना है, सॉरी। और मैं अभी फ़िलहाल सैमसंग A51 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको सिंपल एक्सेसिबिलिटी के अंदर इंस्टॉल सर्विसेज में मिल जाएगा। और जो लोग रेडमी, ओप्पो, वीवो, पोको यूज़र हैं, उनको डाउनलोडिंग सर्विसेज में मिल जाएगा रिमैपर, ठीक है। अब बैक करेंगे सिंपल। नेविगेशन बार होम कर दिया मैंने। रिमैपर में चलेंगे। ओपन करते ही गाइज अपना जो टॉकबैक का कर्सर जाता है वो जाता है वॉल्यूम बटन अप पे ऊपर, ठीक है। स्वाइप करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर। वॉल्यूम डाउन है आगे लेफ्ट राइट स्वाइप करने पर। हैंडसेट है, टच है,
बिग्सबी है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, जेस्चर है। गाइस में इतने ऑप्शन मिलते हैं और नीचे अपने को क्रिएट बटन का ऑप्शन भी मिलता है। देखिए फैब बटन, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, दिखा देता हूँ एक बार। Please press the button to add. Only physical buttons can be customized, and buttons that cannot be detected here cannot be customized. Virtual buttons displayed on the screen cannot be customized. Guys, ये बता रहा है कि जो physical button है उनको हम customize कर सकते हैं इस application के through. ठीक है, लेकिन जो virtual है उनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए add button. Add का button मिलता है अपने को और उसके जस्ट नीचे cancel होगा। Cancel navigation bar, home, but remember, cancel button. Cancel मिलता है, cancel कर देते हैं यहाँ से। Background service, okay, button. सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन था अपना वॉल्यूम अप वाला, वॉल्यूम अप वाला बटन है, उसके नीचे वॉल्यूम डाउन है, उनसे हम जो अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हैंडसेट है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, टच है और जेस्चर है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप वॉल्यूम अप और डाउन की का यूज़ कीजिए या फिर जेस्चर का यूज़ कीजिए। टच का यूज़ आप मत कीजिएगा क्योंकि टच में सिंगल टैप, डबल टैप और होल्ड ये अपने को सिलेक्ट करने होते हैं। फिर अगर हम डबल टैप में किसी और चीज़ को सिलेक्ट कर देंगे तो फिर अपने को टॉकबैक के साथ यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। फिंगर सेंसर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जेस्चर भी आप चेक कर सकते हो, बिग्सबी, टच, ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। वॉल्यूम अप में चलते हैं हम, वॉल्यूम अप बटन हेडिंग है ये, कस्टमाइज ये ऑफ है, इसको ऑन करेंगे हम, ऑन कर दिया। आगे देखते हैं सिंगल टैप, ये वॉल्यूम मेरा अप बटन है, ठीक है। सिंगल टैप है तो इसमें नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब बस अब वॉल्यूम ही कम ज़्यादा होगा, ठीक है। नीचे देखते हैं डबल टैप में नो एक्शन है, लॉन्ग प्रेस में भी नॉर्मल है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले आगे देखते हैं एक्शन ऑन लॉक स्क्रीन, कस्टमाइज ऑफ है ये, लॉक स्क्रीन में भी काम करेंगे जेस्चर, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं, यूज नॉर्मल सेटिंग, इसको भी ऑन करेंगे। लॉक स्क्रीन में गाइज सिंगल टैप है तो नॉर्मल है, डबल टैप में नो एक्शन है, लॉन्ग टैप इसमें लॉन्ग प्रेस में भी नॉर्मल है, ठीक है। ये स्क्रीन ऑफ पे दोबारा एक्शन आ गई, इसको भी ऑन कर देंगे। सिंगल टैप में नॉर्मल, डबल टैप में नो एक्शन, लॉन्ग प्रेस में फिर नॉर्मल। आगे प्रेफरेंसेस है, ये ऑप्शन है गाइस में। तो देखते हैं एक जेस्चर क्रिएट करके अपना कस्टमाइज करेंगे वॉल्यूम अप बटन को। सिंगल टैप नॉर्मल है, डबल टैप नो एक्शन, इस पे चलेंगे एक बार। तीनों का मेथड सेम ही है, ठीक है। No action selected. Tab action tab settings 2 of 11. Tab setting है यहाँ पे. Tab connectivity 3 of 11. Connectivity है. Tab sound 4 of 11. Samsung capture 07. Tab sound 4 of 11. Sound है. Samsung capture 0740. Remember tab. Tab notification 5 of 11. Notification है. Tab notification 5 tab phone 6 of 11. Phone है. Tab notification 5 of tab phone 6 of 11. Tab device 8 of 11. Device है. Tab. ये देखिए इतने सारे गाइस अपने को ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। नो एक्शन, नो एक्शन है अभी, नॉर्मल कर सकते हैं हम। कस्टमाइज मेन्यू, कस्टमाइज सर्विस ऑफ, होम कर सकते हैं। वॉल्यूम अप की को डबल दो बार प्रेस करेंगे तो होम हो जाएगा, दो बार वॉल्यूम की को प्रेस करूँगा तो रिसेंट हो जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट, अगर मैं दो बार वॉल्यूम की को प्रेस करता हूँ तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। फ्लैश लाइट, अगर मैं दो बार वॉल्यूम अप की को प्रेस करता हूँ तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और स्क्रीन ऑफ, अगर मैं दो बार वॉल्यूम अप की को प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। स्क्रॉल अप, अगर मैं स्क्रॉल अप सेलेक्ट करता हूँ और मैं टू फिंगर से वॉल्यूम अप को दो बार प्रेस करूँगा तो स्क्रॉल अप होगा।
स्क्रॉल डाउन, अगर मैं वॉल्यूम की को दो बार प्रेस करूँगा आप वॉल्यूम आपको, तो स्क्रॉल डाउन होगा। कॉपी, अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो टॉक इस वॉल्यूम आपको मैं दो बार प्रेस करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। ऊपर जो टैब मिलते हैं इनमें और सेटिंग है, साउंड पे चलेंगे। वाइब्रेशन मोड, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं दो बार वॉल्यूम की प्रेस करूँगा तो वाइब्रेशन पे चला जाएगा मेरा फ़ोन। साइलेंट मोड, अगर मैं दो बार इस पर प्रेस करता हूँ तो साइलेंट पे चला जाएगा। म्यूट मीडिया, अगर मैं दो बार वॉल्यूम की प्रेस करता हूँ तो मेरा फ़ोन का जो मीडिया है वो म्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम अप, अगर मैं दो बार अप की को दबाऊँगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। म्यूट वॉइस कॉलिंग, अगर मैं दो बार इसे प्रेस करता हूँ तो जो कॉलिंग है वो म्यूट हो जाएगी। म्यूट माइक्रोफोन, अगर मैं दो बार वॉल्यूम अप की को प्रेस करूँगा तो माइक्रोफोन जो है म्यूट हो जाएगा, ये ऑप्शन है इसमें। नोटिफिकेशन में चलते हैं गाइस, ये टैब है सारे मैं कुछ चेक करवा रहा हूँ। क्लियर नोटिफिकेशन मैसेजेस, अगर आप वॉल्यूम अप की को सिलेक्ट करते हो और दो बार प्रेस करोगे तो क्लियर कर देगा नोटिफिकेशन के सारे मैसेजेस। टॉगल नोटिफिकेशन ऑन, अगर आप इसको प्रेस करते हो जो आपका नोटिफिकेशन टॉगल है ये ऑन कर देगा ये। क्लोज नोटिफिकेशन बार, अगर आप वॉल्यूम की को दो बार प्रेस करोगे वॉल्यूम अप को तो क्लोज कर देगा ये नोटिफिकेशन बार को। ओपन नोटिफिकेशन बार, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे कर देगा ये जब आप वॉल्यूम के अप बटन को दो बार प्रेस करोगे, ठीक है। फोन टैप देखते हैं अब। एंटर फोन कॉल, अगर आप वॉल्यूम की को दो बार प्रेस करोगे तो फोन कॉल एंटर वो करेगा ये। आंसर द फोन, अगर आप वॉल्यूम अप की को दो बार प्रेस करोगे तो ये कॉल आंसर करेगा। सैमसंग को छोड़कर बाकी कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं होती है, वो चाहे तो कर सकते हैं इसकी सहायता से। ओपन कॉल हिस्ट्री, अगर आप वॉल्यूम अप की को दो बार प्रेस करते हैं तो ये कॉल हिस्ट्री जो है ओपन कर देगा, ठीक है। तो हम चलते हैं एक्शन में, चलते हैं होम की सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने डबल टैप किया होम पे सिंपल, और डबल टैप में होम आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं वॉल्यूम अप की को दो बार प्रेस करूँगा तो मेरा जो है होम हो जाएगा। देखिए मैंने दो बार प्रेस किया वॉल्यूम अप की को और मैं होम पर आ गया हूँ। दोबारा रिमैपर में चलते हैं, अब डबल टैप में कुछ और चेंज करते हैं। फ्लैश लाइट, अब मैं डबल टैप में फ्लैश लाइट को सिलेक्ट करूँगा और अब दो बार मैं, अब देखिए डबल टैप फ्लैश लाइट, अब मैं वॉल्यूम अप की को दो बार प्रेस करता हूँ तो देखिए फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होगी। फ्लैश लाइट टर्न ऑन हो गई है, अभी मेरी फ्लैश लाइट ऑफ हो गई है। लॉन्ग प्रेस में नॉर्मल है, लॉन्ग प्रेस में सेलेक्ट करते हैं कुछ। अब रीसेंट ऐप सेलेक्ट करते हैं, लॉन्ग प्रेस में मैंने रीसेंट ऐप को सेलेक्ट किया है। अब वॉल्यूम आपकी प्रेस करता हूँ, एक बार लॉन्ग करता हूँ प्रेस। रीसेंट ऐप मेरे सामने ओपन हो गया, क्लोज ऑल आ गया। देखा गाइस, तो होम करेंगे, रिमैपर को दोबारा ओपन करेंगे और नोटिफिकेशन को अब नीचे करके देखते हैं। डबल टैप वाले भी सिलेक्ट करता हूँ मैं, नोटिफिकेशन ओपन नोटिफिकेशन बार सिलेक्ट करूँगा मैं। डबल टैप में ओपन नोटिफिकेशन बार है तो मैं वॉल्यूम अप की को दो बार प्रेस करता हूँ। देखिए गाइस नोटिफिकेशन बार मेरा नीचे आ गया, अब बैक करेंगे यहाँ से। ये हो गया गाइस अपना वॉल्यूम अप की का, बैक करेंगे ऐसे ही सेम वॉल्यूम वॉल्यूम डाउन में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम कस्टमाइज को ऑन करेंगे, सिंगल टैप में नॉर्मल है,
डबल टैप में नो एक्शन है, लॉन्ग प्रेस में नो नॉर्मल है, ठीक है। सिंगल टैप में चलेंगे, सिंगल टैप गाइस आप छेड़िएगा मत, क्योंकि सिंगल टैप फिर आपका जो वॉल्यूम है उसको आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं बैक करता हूँ यहाँ से। तो डबल टैप में चलेंगे, स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं वॉल्यूम डाउन से, यही ऑप्शन है गाइस इसमें। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आ गए, क्लोज नोटिफिकेशन बार सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब देखिएगा मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था नोटिफिकेशन डाउन, ठीक है, नोटिफिकेशन बार डाउन, और वहाँ से अब देखिए मैं वॉल्यूम अप की से पहले होम करता हूँ एक बार। होम किया, अब मैंने वॉल्यूम अप की पे सेलेक्ट किया नोटिफिकेशन डाउन और उससे अप किया, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम अप की को प्रेस करता हूँ दो बार, नोटिफिकेशन नीचे आएगा। अब इसे क्लोज करेंगे तो वॉल्यूम डाउन की से, ये देखिए नोटिफिकेशन वापस चला गया इस एप्लीकेशन की सहायता से, ठीक है। और यस कितना अच्छा ये एप्लीकेशन काम करता है गाइस, हर एक फीचर इस एप्लीकेशन का बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो, यही ऑप्शन है हर किसी में, यही ऑप्शन है गाइस, चाहे आप वॉल्यूम अप डाउन, चाहे आप वॉल्यूम अप डाउन का इस्तेमाल करो, चाहे आप फिंगरप्रिंट जेस्चर का इस्तेमाल करो, चाहे आप ओनली जेस्चर का इस्तेमाल करो, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है गाइज, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मैं पूरा एप्लीकेशन का वो करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।